राजधानी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा डेरा गांव के लोगों ने छतरपुर विधायक करतार तंवर और भाटी वार्ड के निगम पार्षद सुंदर तंवर के खिलाफ एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में पीड़ित संजीव तंवर ने विधायक करतार सिंह तंवर और पार्षद सुंदर तंवर पर बसुल की हाथ से माइक छीनने का एक बड़ा आरोप लगा है। संजीव तंवर ने बताया कि विधायक करतार सिंह तंवर और पार्षद पिछले दिनों एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में पहुंचे थे और माइक छीनकर मेरे साथ बसुल की की थी। वही पंचायत में फैसला लिया गया कि विधायक और पार्षद का व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए दोनों नेताओं को सार्वजनिक रूप से 14 दिनों के अंदर माफी मांगनी होगी, नहीं तो 14 दिनों के बाद एक सबसे बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा और पंचायत एक बड़ा फैसला लेगी। आपको बताते चलें कि विधायक करतार सिंह तंवर और पार्षद सुंदर सिंह तंवर अभी कुछ दिनों पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं कुछ चैनलों से बात करते हुए विधायक करतार सिंह तंवर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सीधे से खारिज किया है। वही उन्होंने ये भी कहा है कि पंचायत कोई भी सवाल करेगी तो वो उसका जवाब जरूर देंगे। मामला ये था कि हमारे क्षेत्र से जो विधायक है करतार सिंह तंवर जी, वो 10 साल कोई काम नहीं करते। उसके बाद जब उनसे काम को लेकर सवाल किया जाता है तो धमकी देना और औकात, एक वोटर को कहते हैं अपनी औकात जितनी तेरी है देख लेंगे तेरे को, तो ये अमर्यादित भाषा और ये गुंडई व्यवहार, ये पंचायत पूरी उस व्यवहार को लेकर है कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है और इतनी अशोभनीय भाषा अगर लोगों के लिए, वोटर के लिए इस्तेमाल करने लग जाए तो हमें लगता है चिंता का विषय है। क्या वजह क्या थी, किस हुआ क्या था ये? देखिए, पिछले 10 साल रिश्वतखोरी, हर काम के लिए पैसे, मतलब आप ये मान लीजिए लोग तंग हो गए, सड़कें बेहाल, मतलब बहुत बुरा हाल क्षेत्र का पिछले 10 साल हुआ, और उसी को लोग लेकर कभी उनके दफ्तर चले गए या घर चले गए। तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो पिछले कुछ समय से कर रहे हैं और बीजेपी में जाने के बाद तो उनकी गुंडाई एक तरह ऐसे हो गई जैसे उनको खुली छूट मिल गई हो। तो मेरा अब हमारा एक संगठन है जो इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा। और आज जो पंचायत हुआ था इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए थे? ये आज सिर्फ डेरा गांव की पंचायत है, बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया है। अगर उन्होंने अपने इस आचरण के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो फिर ये समझ लीजिए एक बड़ी पंचायत की यहाँ से ऐलान हो गया। कुछ टाइम भी दिया गया है? टाइम हम उनको 14 दिन का, 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अगर 2 हफ्ते में उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर एक बड़ी पंचायत का ऐलान आज यहाँ से हो गया। सीलिंग को लेकर उस दिन लोग इकट्ठा हुए। सीलिंग कहाँ? यहाँ सीलिंग फतेहपुर, डेरा फतेहपुर। और क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जैम रहता है तो काफ़ी लोग ट्रैफिक जैम को लेकर भी उनसे सवाल करना चाहते थे। अब उनको समस्या ये हो गई है कि जैसे ही उनसे कोई सवाल करें तो भड़क जाते हैं। अच्छा, तो उसका नुकसान ये है कि लोग डरने लगे उनसे। उनके साथ में और कौन कौन था जो? भाई एक निगम पार्षद है, उसको तो आप वीडियो में देख लेना, खुलेआम गालियां देता है। उसका तो आप पूरे क्षेत्र में जाकर पता कर लीजिए, बिना माँ बहन की गाली का तो बात ही नहीं करता किसी से। तो मेरा हमारी कोशिश ये है कि ये लोग अपने मर्यादित आचरण में रहें, राजनीति करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वोटर के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने गाँव के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीनिवास है जी। आज जो पंचायत किस मुद्दे पर हुआ और क्या फैसला रहा पंचायत? ये फैसला है, मुद्दा ये था, इस लड़के के साथ जो बदतमीजी करी गई उसी बात पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ और पूरा गांव इकट्ठा होने के बाद में ये फैसला किया कि हम इसके साथ। क्या ये सही है जो विवाद हुआ था उसमें? ये सही गलत था। मेरा नाम खुशी राम तंवर। खुशी राम जी, आज यहाँ पे पंचायत बुलाई गई, वजह क्या था और पंचायत का क्या फैसला है? पंचायत बुलाने का ये था कि वैसे तो सभी हम जो है पूरा समाज ही भाई है, हम एक दूसरे के कोई रिश्ते में चाचा है, कोई बाप है, वो लगते हैं। एक अभी जो है 15 दिन पहले एक सीलिंग का मामला था, उसके उसमें जो है एक पंचायत आहूत की गई थी फतेहपुर बेरी में जो नॉन पॉलिटिकल थी, उसमें हमारा भाई जो है शिरकत करने गया। उन्होंने इनवाइट किया था बच्चों ने वहाँ के ने, और ये भी वादा किया था कि इसमें कोई भी पॉलिटिशियन शामिल नहीं होगा। जब वहाँ गए तो कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिनका भाई ने उल्लेख कर दिया होगा आपके सामने, लेकिन जो परिस्थिति बनी सामने आई और उसमें इस तरीका के जो है आदरणीय भाई करतार सिंह जी की तरह, मैं विधायक नहीं कहूँगा उनको बिल्कुल भी, करते मैंने यहाँ भी क्लियर कर दी, मैं विधायक नहीं कहूँगा उनको जी, क्योंकि विधायक अगर हमारा अपमान करता है उसको हम सहन कर लेंगे, काउंसलर सर अपमान करता है उसको हम सहन कर लेंगे,
वो आदरणीय भाई करतार सिंह मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमारे उस परिवार से जो है संबंध रखते हैं कि जो 603 साल हमें यहाँ पर बसे हुए हो गए, जिसके लिए राजनीति से हट गए। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।